हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। 25 तारीख से गणपति फेस्टिवल चालू हो रहा है, उसके लिए हम मोदक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम बनाने जा रहे मावा के तले हुए मोदक। जिसके लिए हमें चाहिए, ये 100 ग्राम मावा है, ये 1/2 कप मैदा है ऑल पर्पज फ्लावर, ये 1/3 कप शुगर है, 1/4 कप मिल्क है। मिल्क हमें जैसा लगेगा आवश्यकता अनुसार वैसे हम यूज़ करेंगे। ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स है, आपको जो भी पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स उसमें मिक्स कर सकते हैं। ये पिंच ऑफ नमक है और ये हरी इलायची का पाउडर है। आइए मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए गैस ऑन करते हैं। ये कढ़ाई में मैंने 1 टीस्पून घी डाला है, जिसमें कि हमें ये ड्राई फ्रूट्स थोड़ी देर भून के लेने हैं। ये हमने 1-2 मिनट के लिए ड्राई फ्रूट्स को घी में थोड़ा सा भून लिया है। अब हम ये मावा इसमें मिक्स करेंगे। 100 ग्राम ऑफ मावा हमने लिया है, इसे हमें अच्छे से भून लेना है। ये हम इसमें हरी इलायची का पाउडर डालेंगे। ये हमारा मावा अभी अच्छे से भून गया है, भून चुका है। हम इसे गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और थोड़ी टाइम ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये 1 टीस्पून घी को हमने गर्म करने के लिए रखा है, जिसे हमें मैदे में मोइन करने के लिए डालना है। ये मैंने 1/2 कप मैदा लिया है। अब हमें डो बनाना है, जिसमें कि ये पिंच ऑफ नमक मैं डाल रही हूँ। ये जो घी हमने मोइन के लिए रखा था वो गर्म हो चुका है, वो घी हम थोड़ा इसमें मिक्स करेंगे। हम इसे चमचे से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी गर्म है इसलिए हाथ से नहीं करना है। मिल्क उसमें हाथ से आटा गूंथते हैं। इसका हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा लगाना है, ज्यादा गाढ़ा नहीं और ज्यादा पतला नहीं ऐसा। ये हमारा डो बन के तैयार हो गया है, जिसे हमें अभी 5-10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। डो की जो कंसिस्टेंसी है वो मीडियम कंसिस्टेंसी का रखना है उसे। ये हमारा मावा और ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। एकदम पूरे तरह से ठंडा नहीं होना है, होने देना है उसको। थोड़ा सा लुकवार्म जैसा होना चाहिए उसको। हाथ से हम लोग उसे मिक्स कर सकते हैं। ये शुगर है 1/3 कप जो मैं अभी इसमें मिक्स कर रही हूँ। शुगर अच्छे से मिक्स करना है इसमें। अब हमें मोदक बनाना है, इसके लिए मैं ये आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लेती हूँ। अब हम ऑयल को गर्म करने के लिए रखते हैं। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, इसी जगह पे हम लोग उसको नजदीक लाएंगे। दूसरे टाइप से आप ऐसे भी भर सकते हो।
ये हाथ में ही है, इसे उसको थोड़ा सा करके सिर्फ प्लेट्स देने हैं उसको, और फिर एक साथ उसको नज़दीक लाना है। ये हमारे सभी मोदक बन के तैयार हो गए हैं। ये हमारे सभी मोदक फ्राई होके तैयार है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये एक मोदक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि वो कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए कितना क्रिस्पीनेस है उसमें, ये देखो लेयर कैसे आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा बना है हमारा मोदक। इस तरह से हमारे सभी मोदक फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।